Our next topic of whistleblowing chapter is benefits of whistleblower policy. Whistleblower करप्शन को एक्सपोज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे ये क्या है, एक रिस्की काम है फिर भी. लेकिन विसल ब्लोअर्स को उनकी अचीवमेंट्स के लिए या उनको मिलने वाले थ्रेट्स से बेटर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. किसी ऑर्गेनाइजेशन में विसल ब्लोइंग कल्चर को एनकरेज करने से उसकी ट्रांसपेरेंसी स्ट्रक्चर प्रमोट हो जाता है और वहाँ पे इफ़ेक्टिव एंड क्लियर कम्युनिकेशन होना पॉसिबल हो पाता है. अब हम विसल ब्लोअर पॉलिसी के कुछ बेनिफिट्स पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ एनकरेजिंग अ स्पीक अप कल्चर. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में विसल ब्लोअर पॉलिसी होगी तो वहाँ पे इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि अगर वहाँ पे कोई भी रॉन्ग डूइंग हैपन हो रही है तो कम से कम कोई एक पर्सन तो उसके बारे में बताने वाला होगा ना. अगर सभी एम्प्लॉयज़ को चांस दिया जाए तो सभी एम्प्लॉयज़ में से कोई ना कोई तो वहाँ पे होने वाली रॉन्ग डूइंग के बारे में अनोनीमसली, यानी कि अपना नेम नहीं बताएगा वो पर्सन, अनोनीमसली उसके बारे में रिपोर्ट करेगा. और अगर रिपोर्ट की जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन उस फ्रॉड को जल्दी ही पकड़ लेगी. इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का लीगल इंक्वायरीज में वेस्ट होने वाला टाइम और मनी दोनों सेव हो जाएंगे. सेकंड पॉइंट, नोइंग अर्लियर अबाउट द मिसकंडक्ट. किसी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले मिसकंडक्ट का अगर जल्दी ही पता लग जाएगा तो उसे उसकी अर्ली स्टेज पे ही स्टॉप किया जा सकता है. नॉर्मली जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके लिए फ्रॉड्स को हैंडल करना मुश्किल होता है, और वो स्मॉल बिजनेस होते हैं इसलिए उनके पास इस तरह के इश्यूज से होने वाले लॉस को कवर करने के लिए रिसोर्सेस भी नहीं होते. थर्ड पॉइंट, अवॉइडिंग वॉयलेशंस एंड लीगल बैटल्स. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में रेगुलेटर्स उनके एम्प्लॉयज़ पे वॉयलेशंस करते हैं. पहले इसके लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके एम्प्लॉयर के बारे में कोई अलार्म या इशू ऑफ कंसर्न रेज कर सकें. बट आज क्या हो गया है, विसल ब्लोइंग पॉलिसी की आने की वजह से एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट को कई तरह के इश्यूज़ के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं. बट अगर विसल ब्लोइंग पॉलिसी नहीं होगी तो उन्हें रिपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाना पड़ेगा. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए. फोर्थ पॉइंट, कॉन्फिडेंट स्टाफ. एक अच्छी विसल ब्लोइंग पॉलिसी वो होती है जो एक ऐसा एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इम्पॉर्टेंट टूल प्रूव होती है, जहाँ पे वर्कर्स अपने कंसर्न को फ्रीली रिपोर्ट कर सकें. और स्टाफ के साथ ओपन कल्चर होने से क्या होगा कि सभी कई तरह के कंसर्न्स को कॉन्फिडेंटली रेज कर पाएंगे. अगर पॉलिसी और उसके प्रोसीजर्स क्लियर और इजी टू यूज़ होंगे तो वर्कर्स के लिए ये ईजी हो जाएगा कि वो कंसर्न्स को अर्ली स्टेज पे ही रेज कर सकें. इसके साथ ही ये कंपनी के लिए भी इजी हो जाएगा कि वो कंसर्न्स को अर्ली स्टेज पे ही डील कर पाए. फिफ्थ पॉइंट, बेटर एम्प्लॉयज़. वो एम्प्लॉयज़ जो विसल ब्लोइंग को प्रमोट करते हैं उन्हें बेटर एम्प्लॉयज़ समझा जाता है स्टाफ के द्वारा, और उन्हें पब्लिक के द्वारा बेटर सर्विस प्रोवाइडर समझा जाता है. इसलिए वर्कर्स को विसल ब्लोइंग पॉलिसी और उसके प्रोसीजर के बारे में क्लियरली बता देना चाहिए कि विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है और उन्हें उनकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है. सिक्स्थ पॉइंट, विसल ब्लोइंग पॉलिसी नेसेसिटी ऑफ टुडे. अगर आज के समय में कंपनीज के पास विसल ब्लोइंग पॉलिसी नहीं होगी तो जो स्टाफ होगा वो कंसर्न्स को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट करने में कॉन्फिडेंट नहीं होगा. इसका मतलब क्या हो सकता है,
जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बैड प्रैक्टिस हो रही है वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम के लिए कंटिन्यू हो जाएगी, और जो लोग उस कंपनी की सर्विसेज को यूज़ करते हैं उनके द्वारा कंप्लेंट्स और भी ज़्यादा आएगी। जो कंपनी का स्टाफ है वो उस कंपनी को लीव कर सकता है या वो अच्छे तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कंपनी की सर्विस और भी ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्ट्स रिसीव कर सकती हैं। 7th पॉइंट, अदर बेनिफिट्स। विसल ब्लोअर पॉलिसी के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। स्टाफ को और उन लोगों को जो उस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं और पब्लिक को प्रोटेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को बनाए रखना और उसे प्रोटेक्ट करना, रॉन्ग डूइंग को डिस्करेज करना, प्रॉब्लम्स को अर्ली स्टेज पे ही सॉल्व करके रिस्क को मिनिमाइज करना, मैनेजमेंट की अवेयरनेस और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, स्टाफ मोरेल को इम्प्रूव करना और टर्नओवर को रिड्यूस करना, ये डेमोंस्ट्रेट करना कि ऑर्गेनाइजेशन है वो अकाउंटेबल और वेल मैनेज्ड है, और कई तरह के होने वाले अनोनिमस लीक्स को रिड्यूस करना। और अगर ये अनोनिमस लीक्स होंगे तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को हार्म हो सकता है, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। कॉस्ट को मिनिमाइज करना और एक्सीडेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड लिटिगेशन से कंपनसेशन को मिनिमाइज करना, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर एंश्योर करना जहाँ पे एम्प्लॉयज़ में एथिकल वैल्यूज़ और डिसिप्लिन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।